हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऑल न्यू S9 वेरिएंट। तो चलिए करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू, वो भी ऑन रोड प्राइस के साथ। एंड इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो अवेलेबल है S3, S5, S7, S9 एंड S11 मॉडल में, और ये है S9 मॉडल की फ्रंट लुक। 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर्स तक की आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। स्कॉर्पियो डायरेक्टली कॉम्पीट करती है टाटा सफारी स्टॉर्म के साथ। एंड ये है प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ स्टैटिक बेंडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि कॉर्निंग लाइट्स। इसी के साथ LED आईब्रोज भी मिलते हैं, जो कि बहुत ही स्टनिंग लुक दे रहे हैं। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल का फीचर भी अवेलेबल है। 7-स्लॉट फ्रंट ग्रिल मिलती है विद सिल्वर इंसर्ट्स। एंड यहाँ पे हुड पे दिया गया है बोनेट स्कूप। इसी के साथ इस मॉडल में आपको मिलते हैं फॉग लैम्प एंड फॉग लैम्प हाउसिंग अवेलेबल है ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश के साथ। फ्रंट एंड रियर में आपको स्किड प्लेट भी मिलेंगी इन सिल्वर कलर। ऑल्सो यहाँ पे स्कॉर्पियो में बहुत ही शार्प एंड बोल्ड करेक्टिव लाइंस अवेलेबल है। कट्स एंड क्रीजेस भी काफ़ी शार्प दी गई है, जो कि गाड़ी को बहुत ही मस्कुलर एंड रगेड लुक देती है। एंड दोस्तों, फ्रंट में मिलती हैं डिस्क ब्रेक्स, रियर में दी गई है ड्रम ब्रेक्स। एंड सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर। फ्रंट में मिलता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन डबल विशबोन टाइप विद कॉइल स्प्रिंग। रियर में मिलेगा मल्टी लिंक सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार। इसी के साथ इजी इन एंड आउट के लिए यहाँ पे फुटस्टेप अवेलेबल है। एंड यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग पे आपको मिलती है स्कॉर्पियो की बैजिंग। ORVM पे दिए गए हैं टर्न इंडिकेटर्स एंड फेंडर बेजल आपको ब्लैक एंड फिनिश में मिलेगा। ऑल्सो रूफ पे अवेलेबल है एंटेना और बहुत ही बिग साइज़ की रूफ रेज दी गई है। एंड ओवरऑल रूफ का आप डिज़ाइन देखेंगे तो आगे से थोड़ा कम है, पीछे से आपको थोड़ा रेज्ड अप मिलता है, ताकि जो पीछे पैसेंजर्स बैठे उनको ज़्यादा हेडरूम मिले। और ये फुल बॉडी क्लैडिंग दी गई है काफ़ी लार्ज साइज़ की। और इस मॉडल में आपको मिलते हैं 17 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स। काफ़ी बिग साइज़ के यहाँ पे टायर अवेलेबल हैं, 235/65 सेक्शन टायर्स दिए गए हैं। एंड ये है रियर स्पॉइलर, जो कि इस SUV को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। लिव यंग लिव फ्री महिंद्रा का टैग लाइन है। इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, जो कि आप अपने स्मार्टफोन में ज़रूर डाउनलोड करें, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं एंड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स भी मिलेंगी। एंड ये है S9 मॉडल की रियर लुक। स्कॉर्पियो में मिलते हैं 4 कलर ऑप्शंस, जो हैं पर्ल वाइट, नेपोली ब्लैक, डी सेट सिल्वर एंड मॉल्टन रेड कलर। एंड रियर में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, सेंसर्स अवेलेबल है, साथ में फुटस्टेप भी मिलता है। माइक्रो हाइब्रिड का बैज और ये है स्कॉर्पियो और S9 मॉडल का बैज। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेल लैम्प मिलते हैं, LED टेल लैम्प दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। सिल्वर कलर का रियर एप्लीक। रियर में आपको वाइपर एंड डिफॉगर भी मिलेगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे अंडर बॉडी में ही आपको मिलता है स्पेयर व्हील, स्टील व्हील दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं। और इस रगेड SUV का कर वेट है 1810 किलो। एंड यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है इस मॉडल में, जो है बॉश का ABS 9.1 फॉर प्रिसाइज ब्रेकिंग। स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी 20 जून 2002 में एंड अब तक लगभग इसे 17 साल हो चुके हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड एंड ट्रस्टेड SUV ऑफ इंडिया। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है महिंद्रा के नासिक प्लांट में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। एंड वहाँ से वो कई सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी की जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया एक्सेट्रा। और ये है टेल गेट की लुक, बॉडी कलर एंड ग्रे कलर में। 2 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, साथ में ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें मिलता है 460 लीटर यानी कि 460 लीटर का बूट स्पेस। और यहाँ पे टूल किट दी गई है। एंड ये स्पेयर व्हील नट, अगर आपको स्पेयर टायर को एक्सेस करना है तो इधर से आप ओपन करेंगे तो स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीट्स फोल्डेड है, अगर हमें बूट स्पेस चाहिए होगा तो आप सीट फोल्ड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो कुछ आप ऐसे सीट डाउन भी कर सकते हैं। ये है 7 साइड फेसिंग सीट। इस मॉडल में 8 फ्रंट फेसिंग सीट का ऑप्शन भी मिलता है। एंड कुछ और स्पेसिफिक मॉडल में 9 सीटर ऑप्शन और कैप्टन सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड ये है ग्रैब हैंडल फॉर इजी इन एंड आउट।
और थर्ड रो सीट्स में आपको कुछ ऐसी विंडोज़ मिलती हैं, ऐसी आप ओपन कर सकते हैं इन विंडोज़ को दोनों साइड पर, और इसको आप अगर पुल करेंगे तो यहाँ से फ्यूल लिड ओपन हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है 60 लीटर की। स्कॉर्पियो की डायमेंशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, हाइट, विड्थ, लेंथ एंड व्हील बेस। और यह है पैसेंजर साइड डोर, यहाँ पर आपको पेडल लैंप भी मिलता है। इसी के साथ गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो है 5.4 मीटर्स, और ग्राउंड क्लियरेंस वैसे तो दी गई है अप्रॉक्सीमेटली 210 यानी कि 210 mm की, बट इन बुक्स आपको मिलती है 180 mm की। एंड दोस्तों, स्कॉर्पियो एक बहुत ज़्यादा मजबूत एंड सॉलिड बिल्टअप कार है। S9 मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, साइड इंट्रूजन बीम्स, इंजन इमोबिलाइजर, डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प, ऑटो डोर लॉक वाइल्ड ड्राइविंग, फ्रंट फॉग लैम्प्स, स्पीड अलर्ट, एंटी थेफ्ट वार्निंग, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर्स, वॉइस असिस्ट सिस्टम एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो विद ऑटो अप एंड डाउन एंड एंटी पिंच। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर लेंगे, सो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट, बहुत ही इजीली ये ओपन हो जाता है। एंड ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड डेडनिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं ताकि आपको मिले एक्सीलेंट कैबिन इंसुलेशन, लो NVH लेवल्स एंड आप इंजॉय कर सके साइलेंट राइड क्वालिटी। तो दोस्तों, स्कॉर्पियो में दिए गए हैं दो इंजन ऑप्शन। पहला है 2.5 लीटर डीजल इंजन जो कि मिलेगा सिर्फ S3 बेस मॉडल में। दूसरा आता है 2.2 लीटर डीजल इंजन जो कि अवेलेबल है 120 BHP की पावर के साथ और 140 BHP की पावर के साथ। 120 BHP लेंगे तो वो आपको मिलेगा S5 मॉडल में और S7 मॉडल में। 140 BHP लेते हैं तो S7, S9 और S11 मॉडल में आपको मिलता है। तो इस मॉडल में दिया गया है 2.2 लीटर M-Hawk 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, पावर है 140 BHP, टॉर्क मिलता है 320 Nm का। ये अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जिसकी माइलेज है 16.36 KMP है। एंड अब दोस्तों चलते हैं गाड़ी के फाइनली इंटीरियर्स में, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑन रोड प्राइस। तो ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो के S9 मॉडल की कीज। यहाँ पे आपको रिमोट भी मिलता है विथ 3 बटन्स। तो सबसे पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कीरिंग भी एल्यूमिनेटेड दिया गया है जिस वजह से ये नाइट में बहुत ही इजीली विजिबल रहता है। एंड ये है दोस्तों बहुत ही प्रीमियम फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। डुअल टोन कलर के हमें यहाँ पे इंटीरियर्स मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे इंसर्ट्स दिए गए हैं। सेंट्रल कंसोल पे भी आपको ग्लॉसी ग्रे इंसर्ट्स मिलते हैं एंड सेम गोज विद द स्टीयरिंग ऑल्सो। एंड क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं यहाँ पे AC वेंट्स पर। योर स्कॉर्पियो इज रनिंग ऑन रिजर्व। ऑल्सो ये है वॉइस असिस्ट सिस्टम जो कि काफी सारी वार्निंग हमें देगा थ्रू वॉइस कमांड्स। इज रनिंग ऑन रिजर्व फ्यूल। और यहाँ पे आपको मिलती है डुअल टोन कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। सुप्रीमली कंफर्टेबल सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया ये सपोर्ट ऑफर करती है। एंड ड्राइवर के लिए अलग आर्मरेस्ट मिलेगी, पैसेंजर के लिए अलग आर्मरेस्ट दी गई है। एंड यहाँ पे आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर साइड सीट की। ऑल्सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट पे सिटिंग पोजीशन दी गई है, तो आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है एंड यू फील लाइक अ किंग ऑफ द रोड। एंड ये फ्रंट डोर की लुक। यहाँ पे आपको मिलते हैं स्पीकर्स, ये है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पॉकेट या फिर मैप पॉकेट जिसे आप कहते हैं। ऑल्सो ऑल 4 पावर विंडोज दी गई है एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिलते हैं इल्यूमिनेटेड यानी लाइट के साथ। ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको मिलती है ऑटो अप एंड डाउन, तो वन टच डाउन हो जाएगी एंड वन टच में ये अप भी हो जाएगी, साथ में एंटी पिंच भी मिलेगा।
और यहाँ पे मिलते हैं फैब्रिक इंसर्ट जो कि बहुत ही लग्जूरियस टच ऐड कर रहे हैं, ग्रे इंसर्ट्स भी दिए गए हैं और ये दोस्तों पडल लैम्प ड्राइवर और पैसेंजर साइड डोर पर मिलेगा। एंड बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पैडेड आपको क्लच फुटरेस मिलता है, इसी के साथ यहाँ पे डिफॉगर कंट्रोल्स मिलेंगे एंड ये है फ्यूल लिड, तो फ्यूल लिड ओपन जाएगा सिंगल क्लिक में। इसी के साथ हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM अवेलेबल है, फोल्डेबल आपको किसी भी मॉडल में नहीं दिए गए। एंड अब यहाँ पे डोर को क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट साइज के बॉटल होल्डर्स मिलेंगे। इसके आगे दिया गया है एंटी स्लिप मैट जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रिप देता है और ये है 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लॉसी ग्रे इंसर्ट्स दिए गए हैं, काफ़ी प्लश ये लुक दे रहे हैं। तो आप रिवर्स गियर लगाते हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स इस मॉडल में अवेलेबल है, आपको कैमरा नहीं मिलता लेकिन आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे पोस्ट होगी। एंड ये है 12 volt का पावर सॉकेट एल्यूमिनेटेड, साथ में यहाँ पे मोबाइल होल्डर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है USB पोर्ट एंड ऑक्स पोर्ट। एंड ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप यानी कि माइक्रो हाइब्रिड, ऑन ही ऑफ कर सकते हैं, माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ऑन ही रहने दें। साथ में फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इधर आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। एंड काफ़ी सॉफ्ट टच यहाँ पे डायल्स दिए गए हैं, काफ़ी गुड टू होल्ड है। तो ये है S9 मॉडल का म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा 15 cm यानी कि 6 inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ, CD/DVD, USB, ऑक्स एंड रेडियो को ये सपोर्ट करता है। साथ में यहाँ पे 4 speakers मिलेंगे और ये है कार इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, गाड़ी की एवरेज और डिस्टेंस टू MT। साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा इस मॉडल में नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको नहीं मिलता। इसी के साथ अलर्ट्स मिलते हैं, वॉइस अलर्ट्स भी अवेलेबल है एंड सर्विस ड्यू की इन्फॉर्मेशन भी शो करता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन भी मिलती है, वो भी 10 different languages के साथ। तो ये काफ़ी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही आपको फीचर मिल जाते हैं जो कि आज की डेट में मोस्ट असेंशियल हैं। एंड ये है स्कॉर्पियो का बैज, साथ में SRS एयर बैग, कुछ ऐसा आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का यूजर मैनुअल एंड सर्विस बुकलेट। एंड स्कॉर्पियो ड्राइव करते टाइम आपको पूरे बोनेट की यहाँ पे लुक मिल जाती है जो कि देती है कमांडिंग पोजिशन ऑन द रोड। और यहाँ पे लेफ्ट साइड अवेलेबल है वाइपर कंट्रोल्स और राइट साइड दिए गए हैं हेडलैम्प कंट्रोल्स। एंड बहुत ही एफिशिएंटली वाइपर वर्क करते हैं, वॉशर की नोजल भी 3 sides से स्प्रे करती है। एंड ये है पैसेंजर साइड सनशेड विद वैनिटी मिरर, यहाँ पे सेंटर में आपको दिया गया एक सनग्लास होल्डर। एंड ये है ड्राइवर साइड सनशेड विदाउट वैनिटी मिरर। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, लेफ्ट साइड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स अवेलेबल है, राइट साइड दिए गए हैं क्रूज कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एडजस्टेबल स्टीयरिंग, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी कि टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग दिया गया है। एंड ये है बहुत ही यूनिकली डिजाइन स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइट एल्यूमिनेशन के साथ, सेंटर में MID दी गई है, शो करती है डुअल ट्रिप मीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन। एंड अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर। ऑल्सो दोस्तों इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये है रियर डोर की लुक, यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स मिलेंगे, रियर डोर्स में यहाँ पे स्पीकर्स अवेलेबल नहीं है, साथ में बॉटल होल्डर दिए गए हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है फॉर मोबाइल। और यहाँ पे ग्लॉसी ग्रे इंसर्ट्स एंड फैब्रिक ट्रिम भी अवेलेबल है। और ये है रियर पावर विंडो, एल्यूमिनेटेड पावर विंडो मिलती है आपको रियर में भी, नाइट में बहुत ही ईजिली ये विजिबल रहेगी। एंड ये है दोस्तों रियर सीट्स की लुक, डुअल टोन कलर में 2 adjustable हेडरेस्ट के साथ। एंड हम कुछ ऐसे यहाँ पे सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं इन केस अगर हमें ज़्यादा स्टोरेज एरिया चाहिए तो। तो यहाँ पे आपको डबल फोल्डिंग मिलती है, एक बार ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी एंड एक बार अगर आप इस लीवर को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप कुछ ऐसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों सीट्स को फोल्ड करने के बाद यानी थर्ड रो और सेकंड रो को काफी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस यानी कि लगेज एरिया हमारे पास मिल जाता है। एंड अब दोबारा इंटीरियर में चल के फीचर्स चेक करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्लोज कर देंगे।
एंड अब इन सीट्स को भी हम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे सीट्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट्स नहीं मिलती। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वो भी लाइट के साथ, अंदर आईसी ब्लू लाइट अवेलेबल है। और ये है दो बॉटल होल्डर की स्पेस एंटी स्लिप मैट के साथ। एंड दोस्तों रियर एसी वेंट भी आपको मिलता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी आपको मिलता है, कोट हैंगर, इसी के साथ यहाँ पे सेंटर में कैबिन लैंप्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ही बढ़िया शेप के यहाँ पे कैबिन लैंप दिए गए हैं आपको। यहाँ पे तीन कैबिन लाइट्स मिलती हैं, साथ में यहाँ पे जो साइड्स पे दो लैंप दिए गए हैं उनको आप आगे या फिर पीछे भी कर सकते हैं। तो ये भी काफी यूनिकली शेप्ड आपको लैंप मिलेंगे। एंड राइट साइड भी ग्रैब हैंडल पे दिया गया है कोट हुक। एंड इवन यहाँ पे रियर पैसेंजर्स के लिए भी रूम लैंप अवेलेबल है। एंड दोस्तों ये है बहुत ही स्ट्राइकिंग एंड प्रीमियम फ्रंट डैशबोर्ड के लुक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्कॉर्पियो का S9 मॉडल, मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर इस चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।